बिफोर हेयर कट एज यू कैन सी हेयर बहुत ज़्यादा ही रफ है एंड आफ्टर वाओ शी लुक्स अमेजिंग एंड फैबुलस। हाय गाइस, मेरा आज हेयर कट हुआ है तो मैं मैम का चैनल देख के आई थी श्यामा मेकओवर, तो मुझे लगा कि एक बार हेयर कट करके देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव दिस हेयर कट। Thank you, ma'am. I love you. Love you too. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Hey guys, once again welcome to Shyama's Makeover channel. How are you all? I hope are you doing well. जी हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? किरकोम आछे ना आपनारा? भालो आछो? जी हाँ, आज के ट्यूटोरियल में जो गाइज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, हेयर कट फॉर थिन हेयर। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, क्या हेयर कट फॉर थिन हेयर। बताना चाहती हूँ, इनके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा फाइन टेक्सचर था। एंड येस, शी सॉ माई वीडियो, इन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा एंड देन शी कॉल मी कि श्यामा मुझे आपके पास हेयर कट के लिए आना है। मैंने कहा श्योर, डेफिनेटली। सो देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। और बताना चाहती हूँ कि आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि आप इतने पतले बालों में भी कैसे हेयर कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चाहते हैं आप सबसे पहले मेरा वीडियो देखना तो बेल आइकन को क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन को भी चूज़ कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक तो बनता ही है। और अगर आप बिगनर्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इनोलॉक्स ट्रीटमेंट जो कि ओला प्लेक्स जैसे ही वॉक करता है। और इस ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको कुछ खासियत बताती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट इट। इनोलॉक्स इज सिमिलर टू द वेल नोन ओला प्लेक्स। जी हाँ, इनोलॉक्स जो है वो सिमिलर है ओला प्लेक्स जैसे ही, इन द सेंस दैट इट रिबिल्ड बॉन्ड्स दैट आर ब्रोकन और वीकेंड बाई एक्सट्रीम हीट और केमिकल डैमेजेस। जी हाँ, बताना चाहती हूँ कि अगर बाल ब्रोकन हो रहे हैं, वीकेंड हो रहा है आपका, हीट से जो है डैमेज हो गए बाल, तो ये बालों को रिपेयर करता है। तो मैंने पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद इस प्रोडक्ट को मैंने बालों में अच्छे से अप्लाई किया क्योंकि इनके बाल कलर और बहुत फाइन था। एंड उसके बाद आई एम गोना स्टार्ट द हेयर कट। इससे क्या होगा, जब तक ये बालों में प्रोडक्ट लगा हुआ है तब तक आप इनको लगे रहने दो बालों में प्रोडक्ट को। और उसके बाद अगर आप हेयर कट करते हो तो क्या होता है, जी हाँ, उसके बाद बड़ा ही सिंपल है, उसके बाद आपका हेयर कट भी एटलीस्ट ईजिली होता है, नॉट्स भी नहीं लगता है। और सेकेंडली, इसके बाद जब मैं रिंस करूँगी, क्योंकि हाफ एन आवर तो लगता ही है हेयर कट में मुझे, उसके बाद जब मैं रिंस करने वाली हूँ, और रिंस करने के बाद आई एम टेलिंग यू गाइस, हर हेयर इज़ गोइंग टू बी ऑसम एंड ब्यूटिफुल एंड शाइनी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। यस, यही एक रिजल्ट है जो कि इस ट्रीटमेंट के बाद आता है, सो सॉफ्ट एंड सो स्मूथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इनके बालों में, जी हाँ, टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन के बैक साइड को क्लिप किया है। और आप फ्रंट के बालों से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो पहला जो सेक्शन है वो है प्रोफाइल सेक्शन से मैं ले रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। जी हाँ, वो प्रिपेयर होके आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बाल थोड़े से आप शॉर्ट कर दीजिए, बट मैं चाहती हूँ एक अच्छा हेयर कट। तो जी हाँ, मोस्टली तो मेरा स्पेशलाइजेशन है लॉन्ग लेयर हेयर कट में, मैं ज़्यादा बाल को शॉर्ट नहीं करती हूँ। बट येस, जब वो अपना प्रिपेयर होके आई थी कि मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना है क्योंकि बाल बहुत डैमेज थे, बाल बहुत ज़्यादा पतले थे नीचे से। रियली गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा रफ थे बाल। चलिए दोबारा से दिखाती हूँ कि बाल कितने रफ थे। यू कैन सी हेयर बॉटम सो रफ है ना। उसके बाद मैंने ये प्लान किया, मैंने कहा चलिए थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाए इनके बालों में, उससे क्या है बालों में थोड़ा सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और हेयर कट के साथ साथ क्या है ना, बाल हेल्दी भी
नज़र आते हैं, तो साथ में ट्रीटमेंट के साथ यू नो इट्स लाइक इज गोइंग टू बी ऑसम। तो आप भी अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट के साथ भी हेयर कट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बालों में ट्रीटमेंट लगा हुआ है और मैं हेयर कट कर रही हूँ, थोड़ा सा इमल्सीफाई भी होता है जब आप कॉम करते हैं। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में सिखाती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं होता। शॉर्ट टाइम में भी क्लाइंट के पास, कम समय में भी आप किस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे टाइम नहीं है किसी के पास। आप किस तरह से छोटे से छोटा टाइम को भी आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट। सो नाउ यू हैव टू चेकिंग बोथ द साइड। अभी आपको सेंटर पार्टीशन के साथ ही दोनों साइड से चेक करना है, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि जो मेरी क्लाइंट है उनका जो लेफ्ट साइड है थोड़ा सा है ना, हल्का सा मुझे लंबा नज़र आ रहा था। तो मैंने दोबारा से चेकिंग किया और मुझे ये वाला जो साइड है थोड़ा सा मुझे यू नो अनइवन लग रहा था, दोबारा से मैं काट रही हूँ। सो गाइस बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू चेकिंग रेगुलरली, अदरवाइज व्हाट हैपन लाइक वन साइड इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट एंड वन साइड इज़ गोइंग टू बी लॉन्गर। अगर आप दोनों तरफ से चेक नहीं करेंगे तो एक साइड लंबा एक साइड छोटा नज़र आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे कॉम में ट्रीटमेंट लगा हुआ है। जी हाँ, इस तरह से ट्रीटमेंट लगा के मैं हेयर कट कर रही हूँ, विच इज़ वेरी ईजी एंड वेरी बेस्ट टेक्निक दैट यू कैन डू इट फॉर योर क्लाइंट। जब क्लाइंट आता है तो उनको बोलिए मैम ट्रीटमेंट भी लगा देती हूँ या लगा देता हूँ एंड उसके बाद हेयर कट कर देती हूँ या कर देता हूँ, राइट। तो अब देखिए बैक साइड के सारे बालों को आपने क्या करना है, फ्रंट में लेके आना है, ठीक है। फ्रंट में लेके आएंगे और उसके बाद आपने काटना है। तो इस सेक्शन में जो आपका, जब आप इस तरह से कट करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जितने भी बाल हैं लाइक अपना जो फिंगर है उसका जो है फिंगर का फेस जो है बॉटम टूवर्ड्स द बॉटम होना चाहिए। और जब भी आप इसे हेयर कट करेंगे मेक श्योर ध्यान दीजिएगा कि सारे बालों को आपने फ्रंट में ला के आपने कट करना है, ठीक है। जब आप सारे बालों को फ्रंट में ला के कट करते हैं तो उसमें एक बेनिफिट होता है, वो ये कि आपकी हेयर ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता, ठीक है। एंड गाइस इससे क्या है कि बाल ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होता है और एक ना बालों में जो एक बॉटम है वो उसमें भी एक अच्छा सा ना हैवी लुक देता है अगर आप सारे बालों को फ्रंट में ला के कट करते हैं, ठीक है। तो यही आपने चीज़ को ध्यान रखना है। अब मैंने, अब देख सकते हैं जिस तरह से मैंने क्लाइंट का यू नो लेफ्ट साइड कट किया है, अब मैं क्लाइंट का राइट साइड में कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट साइड का कट करूँगी। ये चीज़ का भी यू नो हर एक चीज़ का यू नो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या चीज़ें करते हो, राइट। अब मैंने ये सेल्फी मोड पे कैमरा किया हुआ है क्योंकि यू नो क्या होता है कि मेरा दोनों तरफ से ना एक तरफ से थोड़ा डार्कर साइड है, तो ये है राइट एंड साइड जो मैं काट रही हूँ बालों को। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना गाइज। एंड इधर भी इस तरह से आपने बैक के सारे बालों को फ्रंट में ले जाके कट करना है एंड विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एंड इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो यही होता है, छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। अब जब दोनों तरफ से कट हो गया है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल हैं कि हम इसको एकदम यू शेप कट करूँगी मैं, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको यू शेप कट करूँगी। तो बैक में जब दोनों तरफ से कट करने के बाद आपने यू शेप क्रिएट करना है। तो अगर आप चाहते हैं यू शेप का इजी मेथड वीडियो देखना कि यू शेप को काटते किस तरह से हैं, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे ना एक फर्स्ट वीडियो होगा उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें लिखा है कि ईजी मेथड ऑफ यू शेप हेयर कट। जो पहला वाला लिंक है वो यू शेप हेयर कट का ही है, वो ज़रूर देखना आप, उसमें मैंने यू शेप हेयर कट किया है। तो गाइस इस तरह से आप यू शेप हेयर कट सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी से। मैं बताना चाहती हूँ गाइस, दैट वन इज़ माई फेवरेट वीडियो एंड मेरा टॉप मोस्ट वीडियो है। आई गॉट 1 मिलियन व्यू ऑन माई दैट वीडियो। मैं उस वीडियो में मेरा 1 मिलियन व्यू भी आ चुका है और रियली में बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा वो टेक्निक। तो यही एक चीज़ है जो यू नो बहुत बारीक से मैं सिखाती हूँ आपको, ध्यान से सीखिएगा, लास्ट तक सीखिएगा। कंप्लीट करने के बाद अब मैं आती हूँ क्राउन सेक्शन में। क्राउन सेक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ, सारा 90 डिग्री में करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आपने अभी क्या करना है, अब आपने क्राउन सेक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पे ना एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स जब आप बनाते हो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना कि बॉक्स किस तरह से बनना है।
दोनों आईब्रोज तो देखते ही हो आप, दोनों आईब्रोज का सेंटर पोर्शन से ही आपने बॉक्स स्टार्ट करना है, मतलब रिसेशन से रिसेशन एरिया, ठीक है। अब आपने इसको उठाना है, अच्छे से कॉम करना है और इस सेक्शन को भी 90 डिग्री में काटना है। कैन यू सी दैट वेरी थिन एंड फाइन टेक्सचर? जी हाँ, बहुत टेक्सचर इनका पतला है, बाल बहुत फाइन है। लेकिन जी अभी ट्रीटमेंट भी लगा हुआ है, लेकिन जब आप उसके बाद रिंस करोगे हेयर कट के बाद, इट डजंट लुक पतला, बहुत अच्छे लग रहे थे बाल। अगर आप देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। जी हाँ, अभी आपने 90 डिग्री में काटना है इस सेक्शन को, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से कट करने के बाद धीरे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, मतलब दो पार्टीशन में डिवाइड किया है। फ्रंट के बालों को ट्विस्ट करना है और इसको ट्विस्ट करके जैसे हमेशा की तरह मैंने छोड़ दिया है। अब ये वाले बाल हैं, ये मेरा गाइडलाइन है, इसी गाइडलाइन की मदद से बॉक्स बनाते बनाते नीचे नेप एरिया से नीचे के सेक्शन तक जाना है। और देखिए आप कितने खूबसूरत और बारीकी तरीके से मैं बॉक्स सेक्शन बना रही हूँ, और यही एक मेथड है। अगर आप अच्छे से लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो आई तो ऑलवेज डू इट लाइक दिस, ओनली माय टेक्निक इज समथिंग डिफरेंट टेक्निक। और बहुत लोग मेरे कितने फॉलोअर्स हैं कहते हैं कि मैम आपका टेक्निक यूज़ करती हूँ या करता हूँ तो हेयर कट बहुत अच्छा लगता है, बाल भी शॉर्ट नहीं होते, और रियली में लेयर्स भी दिखता है जब मैं आपके टेक्निक से हेयर कट करती हूँ। रियली ये टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये मैंने ही क्रिएट किया है। मैंने भी बहुत जगह से क्लासेस लिया, लेकिन जब मैंने अपनी टेक्निक को क्रिएट किया था, सच में मुझे खुद बेनिफिट हुआ कि नहीं, इस तरीके से इस पैटर्न से काटने के बाद लेयर्स कहाँ पे फॉल करता है और कितने सुंदर तरीके से लेयर्स दिखता है विदाउट एनी ब्रो डाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, इस सेक्शन को हमने 90 डिग्री में कट किया है। पहले हमने एक टॉप सेक्शन कट किया, फिर हमने क्राउन सेक्शन कट किया, अब ये लोअर क्राउन सेक्शन कट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए किस तरह से हम लोग सेक्शन ले रहे हैं, और भी क्लोज कर दिया है मैंने कैमरा सो दैट यू कैन सी नाइसली एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माय ट्यूटोरियल। तो गाइस बताना चाहती हूँ, इस सेक्शन को भी आपने 90 डिग्री में कट करना है। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस 23rd ऑफ मार्च से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कॉल कीजिएगा, अपनी सीट बुक कीजिए। 23rd ऑफ मार्च से मेरी ऑनलाइन लॉरियल प्रोफेशनल हेयर कलर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड फॉर दिस क्लासेस, प्लीज़ लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा एंड देखिएगा। रियली में आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको तब आप जानेंगे कि मैं रियली में उस क्लासेस में क्या क्या सिखाना चाहती हूँ, और वो क्लास है ही बिगनर्स के लिए। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, यू कैन कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576, राइट। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को एंड देखिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इस सेक्शन को हमने क्या करना है, एकदम उठाना नहीं है, हमने इसको एकदम इसके सामने कट करना है, राइट। अब देखिए ध्यान से, जब आप एकदम उठाते हो तो ये इसका एकदम 90 डिग्री बनता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। ऊपर वाले सेक्शन को आपने क्या करना है, दोबारा से चेक कर रही हूँ, देखिए कितना क्लोज, कितने प्यार से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, है ना, जैसे कि आप सीख सकते हैं। देखिए इस लेयर को भी मैंने कट किया है, इसमें से सेक्शन निकाला है। देखो पतला पतला सेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी काम करते हो बारीकी से कीजिए। अब इस सेक्शन को वर्टिकल सेक्शन में काटने पहले 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सेक्शन पतला पतला लीजिएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो बाद में लेयर्स भी नहीं दिखती है, तो पतला पतला सेक्शन लीजिएगा, चाहे कितने भी पतले बाल हैं, कितने भी मोटे बाल हैं, हमेशा पतला सेक्शन लीजिए। आप अगर एक घंटा भी लगा रहे हो हेयर कट में, डजंट मैटर, बट आपका क्लाइंट खुश होके जाना चाहिए। साइड स्वैप बैंग्स, जी हाँ, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को थोड़ा सा साइड स्वैप बैंग्स देना चाहती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा फेस फ्रेम हो जाता है, राइट। और उनके बाल बहुत पतले हैं, हल्का सा अगर फ्रंट में साइड स्वैप बैंग्स दूंगी तो उससे क्या होगा, जो बालों का जो एक फ्रंट का जो एक लुक है, जो फ्रंट से जो फोरहेड जो है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और इट विल लुक अमेजिंग इन क्लासी एज यू कैन सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं,
और हाँ, बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया मिरर में, तो देन शी सेड कि थोड़ा सा हल्का सा और शॉर्ट कीजिए, तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ और उसके बाद जो है लुक तो अमेजिंग आने वाला है। तो इससे आप देख सकते हैं कि फिर आपने क्या करना है, क्लाइंट के बैक साइड में जाना है, उसके बाद उसके ऑपोजिट साइड को आपने हल्का सा शेप के साथ आपने इस तरह से फ्लो करना है बालों को, राइट। एंड देन आफ्टर पूरा फ्रिंजेस एंड पूरा साइड पे बैंग्स कट करने के बाद अभी देखते हैं आगे। नाउ टाइम फॉर ब्लो ड्राई। यहाँ पे मैं सारे मीडियम साइज के ब्रशेज यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं, राइट। कुछ डेनमिन के ब्रशेज हैं एंड यस, चलिए देखते हैं। हिज नेम इज़ प्रवीण, ही इज़ माई फेवरेट असिस्टेंट। ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है प्रवीण मेरा, और मैं देखती हूँ कि इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पूरा ओवरऑल, चाहे वो हेयर कट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर कलर से रिलेटेड हो। रियली इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन, इज़ वेरी यंग दो, लाइक ही इज़ जस्ट यू नो राइट नाउ इज़ इन माई अंडर ट्रेनिंग। अभी वो मेरे ट्रेनिंग में है, अभी मैं उसको सिखा रही हूँ साथ ही साथ। एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू टेक क्लासेस फ्रॉम मी, एंड ही सेड कि मैम मुझे क्लासेस लेनी है, मैं बाहर अकेडमी से लेना चाहता हूँ। एंड मैंने उसको कहा नहीं, यू कैन जस्ट टेक क्लासेस फ्रॉम मी। तो मैं उसको साइड बाई साइड सिखाती भी हूँ और साथ ही साथ वो मेरी हेल्प भी करता है। एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक मैं देखती हूँ कि बहुत ही बढ़िया है और इतने अच्छे से सीख भी रहा है, और रियली मीन इज़ वेरी गुड। चलिए देखते हैं आगे। इस तरह से आपने जो है मीडियम साइज़ का ब्रश लेना है, पहले उठा के आपने 90 डिग्री में ड्राई करना है। पहले 90 डिग्री में अच्छे से ड्राई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने आउट किया है और हीट देना है अच्छे से। फिर अगेन मैं 90 डिग्री में उठा रही हूँ और इसको हीट दे रही हूँ। सो जब मैंने हीट दिया है वो ब्रश को, मैंने उधर ही होल्ड किया हुआ है 90 डिग्री में। अब मैं लूँगी डायगनल बैक सेक्शन, तो देखिएगा ड्राई जब मैं कर रही हूँ क्या सेक्शन क्या है, डायगनल बैक सेक्शन, और ब्रश क्या यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, डेनमिन के ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ, मीडियम साइज़ ब्रशेज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छे से पहले स्ट्रेट स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। हमेशा कोशिश करना जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो तो ध्यान रखना कि जो ब्रश है, देखिए यहाँ पे सेक्शन क्लिप को दोबारा से मैं खोल के टाइट कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप सेक्शन क्लिप भी लगाते हो उसको भी टाइट ग्रिप होना चाहिए, राइट। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे किस तरह से मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ, और नीचे के बालों को थोड़ा सा आपने छोड़ना है, मिड लेंथ तक ही आपने ब्लो ड्राई करना है, और नीचे के बालों को आपने जो है स्ट्रेट नहीं करना पूरा, नहीं तो वो क्या होगा, कर्ल्स नहीं हो पाता या कोई भी स्टाइल नहीं बन पाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से मैंने पहले 45 डिग्री में मैंने आउट किया, अब 90 डिग्री में इनवर्ट्स कर रही हूँ, उसको ही मैंने होल्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, कैन यू सी द सॉफ्टनेस। जी हाँ, जब मैं इनके बालों को पकड़ रही थी मैं बता नहीं सकती, इतने स्मूथ हो गए थे बाल, इतने सॉफ्ट हो गए थे कि मैं रियली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी आपको। और तो और यू कैन सी आफ्टर द ब्लो ड्राई इज़ लुकिंग अमेजिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई वर्क। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो और हेयर का ट्यूटोरियल, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे आपने क्या सीखा इस वीडियो में, और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है हेयर कलर क्लासेस के लिए, तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, लिंक शेयर कर दिया है मैंने हेयर कट का भी, जो सॉरी ऑनलाइन क्लासेस का भी, देखिएगा, और उस हेयर कट का भी जो 1 मिलियन व्यू है। एंड येस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मे गॉड ब्लेस यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और भी अमेजिंग। मे गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।